नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, स्वास्तिक का निशान हिंदू सनातन संस्कृति में सबसे मुख्य बात होती है। कोई भी काम करने से पहले स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। इसको सतिया भी बोलते हैं अपनी भाषा में हम। और ये चीज़ जो है, ये अनादि काल से शुभ कार्यों के लिए, उनकी शुरुआत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। पुराने हमारे धर्म ग्रंथों में इसका विवरण है। और सभी जो धर्मों के लोग हैं वो समान रूप से इसका आदर करते हैं। बर्मा, चीन, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी और जापान में स्वास्तिक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये क्या होता है, कैसे है, सारी बातें बताने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ मैं। इसे सत्या कहते हैं मुख्य बात। और गणेश भगवान के रिद्धि सिद्धि दो उनकी पत्नियां थी और उनके साथ शुभ लाभ, ये चार चीज़ों का जो जिंदगी में हमें हर तरह का आशीर्वाद चाहिए, गणेश भगवान का भी चाहिए और शुभ लाभ भी चाहिए। ये सूर्य, धन, लक्ष्मी, ये तीनों चीज़ों का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ये मांगलिक कार्यों का प्रतीक होता है, सबसे बड़ी बात। अब एक और खास बात बताते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ भी लेते हैं। स्वास्तिक, स्वास्तिक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु अस जमा का, सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व, हमारा अस्तित्व है, और तीसरा जो का बचता है इसका अर्थ होता है कर्ता, यानी जिसको प्राप्ति होनी है। सुंदर चीजों की, अस्तित्व की, सत्ता की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही शानदार स्थापना की जाती है। अब इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ होंगे ये घर के वास्तु दोष कोई हैं उनको दूर करेगा। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, कोई दूषितपन आ गया है, तो ये स्वास्तिक का निशान उस नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा। मांगलिक कार्यों में रुकावट है उसको दूर करेगा। धन की वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि होगी। और रोग वगैरह किसी को घर में बढ़ गए हैं तो उनसे ये निवारण करने का बहुत ही शानदार उपाय माना जाता है। कैसे बनाएं ये मैं बाद में बताऊंगा, किस चीज़ से बनाएं ये बता देते हैं। सिंदूर से या हल्दी से बनाइए। कहाँ लगाएं, घर के मेन एंट्रेंस यानी घर के जो मुख्य दरवाज़ा है, बड़ी कोठियाँ होती हैं उनके दोनों तरफ जो पिलर होते हैं वहाँ पर इनको इसको स्थापित कर सकते हैं। और या घर के जो मेन एंट्री है उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं और जो दोनों पिलर हैं वहाँ पर शुभ लाभ लिखा जा सकता है। ये एक बड़ी शानदार चीज़ होती है। घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा वहीं से ही भाग जाएगी, पीछे हो जाएगी। घर के सामने कोई वास्तु दोष है वो भी दूर होंगे। अति उत्तम दिशा जो होती है इसकी पूर्व की दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तम। स्वास्तिक को श्री गणेश जी बुद्धि के देवता का प्रतीक मानते हैं और इनकी प्रथम पूजा होती है, प्रथम पूजनीय है। बुद्धि में, शुभता में और ज्ञान में वृद्धि करती है। स्वास्तिक के साथ हमें दो दो लाइन लगाते हैं, इन दोनों लाइनों का भी मीनिंग आपको बताते हैं। रिद्धि सिद्धि, दो लाइनें अलग अलग लगती हैं अगल बगल, और उसके नीचे हम लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ भी चाहिए, इनके पुत्र हैं और लाभ भी इनके पुत्र हैं। रिद्धि सिद्धि के दो पुत्र हैं, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ, इसलिए लिखा जाता है। गलती से हम लोग उल्टा स्वास्तिक भी बना लेते हैं, ये घर में विपरीत माहौल पैदा करता है, खराब करता है, नेगेटिव ऊर्जा का संचार करता है। जर्मनी के अंदर भी जो फौज है वहाँ की, उन लोगों ने इस स्वास्तिक का निशान बनाया लेकिन उल्टा निशान बनाया। उससे उनके धन धान्य वैभव में हर तरह के सुखों में ग्रहण लग गया, उसका लाभ नहीं मिला, तो इसलिए सीधा बनना चाहिए। एक और ख़ास बात होती है जो हम बता रहे हैं आपको, ये जरा थोड़ा ध्यान से और बताने की चेष्टा करूँगा कि कभी भी इसको दो लाइनें क्रॉस करके नहीं बनाना, यानी कोई भी क्रॉस नहीं चाहिए आपस में। जैसे हमने प्लस का निशान बना देते हैं उसके बाद दोनों लाइनें कर देते हैं बहुत तेज़ी से करने के लिए, तो ये एक बाहर गेट पे बनाने के लिए तो चल सकता है। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका जान लेंगे तो कभी भी आप देखेंगे कि कोई क्रॉस नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करा, एक लाइन लगाई, नीचे गए,
उसके बाद ऐसे गया और ऐसे नीचे करके फाइव का चेन बनाते हैं, अधूरा पांच। दूसरा एक्शन क्या होगा, यहां से लिया नीचे गए और इसको हमने यहाँ कर दिया। तीसरा एक्शन क्या होगा, ये करके ये धार्मिक चित्र बनाने के लिए किसी भी तरह से हमें कटिंग नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं चाहिए, आड़ा ताड़ा नहीं चाहिए। अब ये जो बन गया, ये केंद्र बिंदु हो गया, ये गणेश जी का ब्रह्म स्थान हो गया। ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें चार बिंदियाँ जरूर लगाई जाती हैं, एक दो तीन और चार। चार बिंदियों का मतलब होता है कि हमें चहुमुखी तरक्की चाहिए, फोर चारों डायरेक्शन की, जिस भी तरह से हमें मिले। इसके बाद एक और काम किया जाता है, रिद्धि। एक ही लाइन लगाई जाती है रिद्धि के लिए, दूसरी लाइन लगाई जाती है सिद्धि के लिए। ये दोनों जो हैं भगवान गणेश की पत्नियां हैं। और उसके बाद एक और इनके जो पुत्र हैं, इनके शुभ और इनके लाभ। इस तरह से जब ये हम बनाएंगे तो ये हमारा बहुत ही स्वास्थ्य जो बनेगा, इसकी हर तरह की शुभता हमारे जीवन में रहेगी। दोस्तों, इस तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जवाब देंगे, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।